वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, ये है आटा नीडर और इसमें जो केक्स का बैटर आता है ना वो बन सकता है। इसके हमने लिया है एग्रोस का कंपनी से लिया है और हमने अमेजोन से परचेज किया है ग्रेट फेस्टिवल ऑफर से, जो कि आजकल बहुत अच्छे हैं। तो ये इसके साथ प्री हुक्स आए हैं, ऐसा क्रीम विस्कर एंड दिस इज बेक जो आटा आटे का आता है ना वो केक का, और ये आटा का सैलड मिक्सर ये सॉरी ब्लेंडर ये आटे का है। तो इसको हम निकाल सकते हैं लॉक, जैसे कि लॉक एंड ओपन, ये इसको ऐसा करना पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा, और अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये खुल जाएगा ये बटन से, ऐसा एक कर लीजिएगा, इसमें आराम से 1 kg आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप इसको ऐसा ग्रेट, हम इसको आपको ऐसा दे रख कर मैं यहाँ पर लॉक से इसको ऐसा रख कर मुझे ऐसा कर देना है, लेकिन अब हम आटे का जो ये हुक है ना उसको लगा रहे हैं। हमें इसमें आपको आटा मिक्स कर बताएंगे, देख लो, और मैं इसको नीचे कर दूँगी, बिस्मिल्लाह। अब हम आटा गूंद रहे हैं, हमने 1 कप आटा लिया है, डाल दिया है थोड़ा सा नमक और तेल डालकर, हम तो क्वांटिटी उसके हिसाब से पानी डालकर उसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल अब तेल डाल थोड़ा तेल डालकर पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो कि अच्छे से डो बनने के लिए। सो आप देख रहे हो अब ये मिक्स होने वाला है, हमने यहाँ पर सेट कर दिया है टाइम को, और आप देख सक रहे हो ऐसा मिक्स हो रहा है वो। आटा एकदम नरम और स्मूथ, अच्छी रोटी फूलकर आएगी इससे। आप भी इसे खरीद सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। हमने भी इसे ट्राई किया, रोटी आराम से हाई, ऐसा इतनी अच्छी रोटी, इतनी अच्छी बन रही है। आई रिकमेंड यू डैट यू कैन बाय दिस, वो भी अमेजोन ऑफर पे, महंगे पैसे डालकर कुछ नहीं करना है। सो आप देख सक रहे हो आटा हल्का जो हम हाथ से करते हैं वैसा आटा बन रहा है। 5 मिनट में बन जाएगा ये, ये पूरा रेडी हो जाएगा 5 मिनट में, और फिर आप गर्मा गर्म रोटी खा सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं हरे बैंगन का सालन, और जो ये है मिट्टी का चूल्हा, जो कि मिट्टी का बर्तन जो कि मेरे माँ अमरेन आंटी ने मुझको चेन्नई से भिजाया है। तो हमने पहले डाला है प्याज, अदरक लहसुन, हल्दी और हरी मिर्च, और हम यहाँ पर आलू भी ऐड कर रहे हैं और कोथमीर भी, राइट। तेल अच्छे से भूनेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड करेंगे, 2 चम्मच, और हम इसे अच्छे से भूनेंगे, राइट। सो अब हम इसमें यहाँ पर हमने जीरा पाउडर भी ऐड किया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आप देख सक रहे हो अभी के। अब हम डालेंगे टमाटर, हमने 2 टमाटर लिया था, और अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब हम डालेंगे हरे बैंगन को, आपको एस टाइप के कट कर लेना है, और वो हम हरे बैंगन को डाल दिए, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेरी गुड, अच्छे से गूंदने के बाद
भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। तो हमने आगे का स्टेप बोल दिया है, तो देख रहे हो ये हम पंजाबी स्टाइल की है जी, बहुत मजे का बना था और आप भी ट्राई कीजिएगा और इसे रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। आप इसे रोटी और चावल के साथ ज़रूर सर्व कर सकते हैं क्योंकि गर्म मज़ा तो अच्छा आएगा। और हमने डाला